हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नया इंटरेस्टिंग व्लॉग में। हम सब बढ़िया हैं, करता हूँ आप सब भी बढ़िया होगे। तो अभी टाइम हो रखा है 5 बजने वाले हैं, सुबह के नहीं शाम के। तो भाई मम्मी कब से, मम्मी ने जान खा रखी मेरी की चाय बना दे चाय बना दे चाय बना दे। कभी हमको ही पिलाओ चाय बना के, हम ही बनाते रहते हैं हमेशा। चाय तो बना लीजिए कभी, मैं तो खाना बना के सारा काम करके देती हूँ। अभी हमको भी चाय बना के पिला दिया कर। समझता कोई नहीं, समझाता हर कोई है। समझता नहीं है कोई, समझता कोई नहीं, समझाता हर कोई। फैक्ट है, फैक्ट है। क्यों मम्मी, फैक्ट है नहीं है, बता तथ्य तथ्य यानी समझता हर कोई है, समझ नहीं, समझता कोई नहीं, समझाता हर कोई है। सही ना? क्वेश्चन था ना है वो, एक फैक्ट है, एक तथ्य है, ये चीज होती है, तथ्य में है ना, मतलब की वो चीज होती है। समझी क्या? ठीक है। मैंने मम्मी को प्रोग्राम दिया है ना कहने के, मम्मी कह रही क्या कह रही थी बता तू। क्या मैंने कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा तूने? इससे अच्छा तो मैं गा देती हूँ, मैं भी गा दूंगी। कहा मम्मी हर चीज मैं कर दूंगी। मैं भी हर चीज मैं जोड़े गाते हैं, हम तो गाते ही हैं। फिर कब से? अरे वो तो गाना गा रहे थे, पहाड़ी गाना। पहाड़ी भी गा दूंगी मैं तो, हिंदी भी तो, इंग्लिश तो, हॉलीवुड में भी गा देगी मुझे लग रहा है। इंग्लिश सब गा दूंगी, शाम को एक गाना लगा दूंगी अपना। एक जोड़ा लगा दूंगी, बढ़िया। आवाज इतनी अच्छी है ना, अभी तो मेरे को बुला रहे थे, तुम्हारी आवाज अच्छी है। देख रहे हो, देख रहे हो, तुम्हारी आवाज अच्छी के लिए तो ना बुला रहे थे तुमको। मम्मी को आंटी लोगों ने वो प्रोग्राम के लिए कहा था ना, अंधा देवी में जोड़े ओड़े के लिए, तो मम्मी ने नीचे, मम्मी की थकान वकान हो जाती है ना, जाना चाहिए था मम्मी, तुमने जाना चाहिए था। पिछली बार ना क्या गाया तूने? वो प्रोग्राम अंकिता मेरा के उनके पास जोड़े जोड़े में गाया था, जोड़े में गाया। हाँ, मैंने जोड़े में आवाज इतनी अच्छी गाई ना। हाँ, बस बस होगी, बहुत तारीफ होगी। जाना चाहिए ना इन चीजों में, जाना चाहिए। खाली घर भी बैठी है, मैं क्या है, घर भी तो बैठी है तू, गा ले। नहीं तो लोग ही नहीं होता घर का, चले जाना चाहिए। चलो कोई नहीं, आगे से चले जाना। मम्मी कहती है मैं गा दूंगी, अच्छा मैं चले जाती ना अंदर, मैं गा देती। मम्मी कह रही मैं गई नहीं, अब जाती तो जाती। सबसे पहले बनाता हूँ चाय यार, मम्मी ने बहुत दिमाग खराब करके चाय बना, चाय बना। तो स्वागत है आपका कार्तिक किचन में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं चाय। क्यों आज आज कार्तिक किचन ब्लॉग आएगा ना, मतलब किचन ब्लॉग है आज। तो फिर से स्टार्ट कर, फिर से स्टार्ट आज से थोड़ा थोड़ा किचन ब्लॉग, ठीक है? तो फिर से स्टार्टिंग। तो स्वागत है आपका किचन में, तो स्वागत है आपका कार्तिक किचन में। आज हम आपको बनाने सिखाने वाले हैं चाय। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें, रुक जा बीच में नहीं बोलने का ना, ऐसे डिस्टर्ब करे, किसी एम्प्लॉय है ना हमारे, डिस्टर्ब करते हैं। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो चाय बनाने के सबसे पहले हमको चाहिए एक बर्तन। बर्तन आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हम डेक में बनाते हैं, डेक एक बर्तन होता है, डेक कहते हैं, फ्राईपैन भी है, फ्राईपैन। हाँ, डेक कहाँ है चाय वाला? ये हमारे एम्प्लॉय हैं, इनसे पूछना पड़ता है, इनको पता है। तो ये है डेक, इसमें बनाएंगे चाय। ये होती है छलनी, इसे छानते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने रखा डेक गैस में, फिर उसके बाद गैस को ऑन कर देंगे, गैस जला देंगे, जो भी बोलना चाहो। फिर उसके बाद हमें डालना है सबसे पहले अदरक, इसको कहते हैं अदरक डालेंगे। ये इसको अभी मैंने धोया है तभी ऐसा हो रहा है। इसको हम कोर के डालेंगे, इसको आप ऐसे कूट के भी डाल सकते हो, पहले हम इसको कोरते हैं, कोर के डालते हैं। तो अदरक तो हमने डाल दिया है, अदरक के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी के बाद डालेंगे इसमें पत्ती, चाय पत्ती होती है जो, उसके बाद फिर इसमें डालेंगे दूध, फिर उसको उबाल आने देंगे। उबाल आना जैसे चाय हो जाएगी ना, फिर कुछ टाइम बाद जब पक जाएगी वो ऊपर को आने लगेगी चाय, तो जैसे उबाल आएगी उसको बंद कर देंगे, फिर उसको छान देंगे। तो हम चाय बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। देखो बाल कितना ऑयली हो गए, जब मैं नहाता हूँ ना समय देखा होगा तुम लोगों ने, कितने सिल्की होते हैं, मतलब बहुत सिल्की। अभी देखो पूरे ऑयली हो गए, इतने ऐसा लग रहा है कि इसमें पूरा ऑयल डाले। देखो चाय की आवाज़ आ रही, उबलने लगी, तो इसको उबलने देते हैं थोड़ा और, पकने देते हैं, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। दूध नहीं डाला अभी, दूध डाल रहा हूँ अभी, खाली पत्ती। और एक चीज़, हाँ मैं कब से कह रहा था कि ट्राईपॉड मंगा रहा हूँ, पर
देखिए मेरे पास मेरे पास अभी रुपये नहीं हो पा रहे फिलहाल, तो ऐसे नहीं मंगा रहा हूँ। जब रुपये होंगे उसके बाद ही मंगा पाऊंगा फिर, क्योंकि उस समय थे रुपये, उस समय मैं नेट भी डाला, नेट भी तो नेट तो मेन चीज़ है, बिना उसके तो एडजस्ट कर भी लूंगा मैं बिना ट्राईपॉड के बिना माइक के, पर बिना नेट के तो नहीं हो पाएगा ना, नेट चाहिए ना, वाईफाई ना कुछ है, तो अब बाद में देखेंगे कभी ट्राईपॉड का जब रुपये हो जाएंगे। तो चाय हमारी बन गई है फिलहाल, नहीं बनी यार, अभी दूध डालना है तो फिर उबालनी है, दूध डाला नहीं है, चाय बन गई है। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 9:30, अभी मैं इतनी देर से यहाँ फॉर्म भर रहा था, एग्जामिनेशन फॉर्म जो मैं गया था ना अभी भर रहा था मैं, उसकी डेट 18 तक है, आज तो 15 है, तो पहले तो नेट नहीं चला, दिक्कत हो रही थी, उसके बाद भरा, फिर चलो भर तो गया, पर पहले उसके मतलब उसमें OTP नहीं आई इस बार, वैसे मैंने कभी पेमेंट नहीं किया ऐसे, मैंने तो नहीं भरा था, पिछले रितिका ने वहीं से भरा था, तो ऐसा मैं नहीं भरा, तो उसमें OTP तो आती है, सीधे भर गया था, और पहले तो ये दिक्कत हो रही है, एनरोलमेंट नंबर नहीं दिख रहा था मुझे, क्योंकि ना जो मेरे आई कार्ड ना इसमें है, ना जो फी रिसिप्ट थी, दोनों इसमें थी, मेरे एक दोस्त कह रहा था फी रिसिप्ट में है मेरी से, उसमें आई कार्ड में तो है ही, कह रहा था मेरे को मिली नहीं, फिर जो पिछले सेमेस्टर की जो मैंने फी रिसिप्ट थी उसमें था एनरोलमेंट नंबर, वहाँ से निकाला, तो मैंने पिछली बार कहाँ से निकाला होगा, अब पिछला जो पिछली फी रिसिप्ट थी ना फर्स्ट सेम की, उसमें से मैंने एनरोलमेंट नंबर अभी निकाला, उससे देखा मैंने, वो PDF पड़ी थी मेरे पास ना, तो उस बार मैंने कहाँ से निकाला होगा, डायरेक्ट हुई थी ना, एनरोलमेंट नंबर नहीं मांगा था ना उस समय, हाँ आप समझे, उस समय एनरोलमेंट नंबर नहीं मांगा था, उससे मांगा था डेट ऑफ बर्थ और शायद कुछ और मांगा था उन्होंने, इसमें शायद से रोल नंबर है वो मांगा था शायद उन्होंने, रोल नंबर तो फिर शिफ्ट नंबर है वो डाला था, हाँ याद आ गया, और एनरोलमेंट नंबर नहीं मांगा, दो दो बार ना चले गए रुपये, उसके भी दिक्कत लगी, क्योंकि पहले एक बार नेट नहीं चला, नेट नहीं चला, फिर दोबारा मैं रीलोड की, फिर दोबारा बैक किया मैंने, तो उसमें आ गया था कि हाँ भर गई है, फिर सिर्फ डाउनलोड करने के लिए दिखा रहा, तो मैंने दोबारा रीलोड किया था कि दोबारा ना भर गई, दो दो बार ना चलेगी, कोई नहीं देख लेंगे जो भी होगा, ऐसे जहाँ तक नहीं गए होंगे तो भर तो गया है, पर क्योंकि पापा के उसमें ना मैसेज आया कितने रुपये कटे करके, कुछ भी नहीं आया, पहले ना OTP आई उसके बाद ना मैसेज आया, जो भी है चलो मेरे हाथ में आ गई फिर रिसिप्ट और जो भी हो। मम्मी के साथ इतना बड़ा ड्रामा हुआ ना, मैंने मंगाई थी जलेबी, मम्मी ने मंगाई थी है स्पेशली, मम्मी ने कहा था कि आज जलेबी ले आना, फिर क्या हुआ अभी पापा आए तो पापा ने स्टार्टिंग में ऐसे कह रहा था कि जलेबी नहीं मिली, मैंने पापा से पूछा जलेबी मिली, पापा ने कहा नहीं मिली, अब ठीक है नहीं मिली, फिर अभी चाय वाय पी ली थोड़ी देर बाद, अब मम्मी बैठी, मम्मी कहती पहले जलेबी खा लेते हैं, खा रहा होगा, मैंने कहा मैं से पापा झूठ बोलेंगे, आपने छुपाई होगी, पापा मेरा मुंह देख रहे हैं, पापा का मुंह देख रहा हूँ, मम्मी अलग ही बीच में, पापा कह रहे कहाँ लाए हूँ, फिर मम्मी सोचा कि लाए हैं, पता नहीं क्या सोची, मम्मी कह रही तुम तो कह रहे थे कि लाए, मैंने कहा भाग भाग के आया, मैंने कहा नजारे लाए होंगे तुम्हारी जलेबी के तरफ, भाग के आए तो भाग के आए, फिर वो उनको मिली नहीं ना, पहले वहाँ की जो फेमस दुकान है जलेबी की टेढ़ी बाजार है ना, तो फिर वहाँ भी नहीं मिली, फिर नंदा देवी गए, नंदा देवी भी नहीं मिली ना, पता नहीं मम्मी अपने मन में मनगढ़ंत कहानी बना, जलेबी भी कुछ नहीं रहा है, कद्दू डाला है, वही गाना है वो, क्या करो राम मुझे बुड्ढा मिल गया, सबका बुड्ढा जलेबी ला, मेरा बुड्ढा मेरे से कद्दू ला, आराम से लोग रहते हैं, कह लूंगी पागल, बस बस हो गया, मैं बैग खोल रही हूँ कद्दू, सबका बुड्ढा फूल, अरे हो गया, मम्मी फिर जोश पे आ जाती है, हो गया अभी कद्दू खाएंगे बढ़िया से, कल चावल के साथ क्यों, चावल के साथ कद्दू महंगा, जलेबी कल देख लेंगे, कल आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं, मम्मी कह रही मैं, मम्मी कभी बाबा के आएंगे कुछ गोभी वोभी उठा, तू पहले बोल फिर हंस, एक साथ हंस भी एक साथ बोल भी, पहले बोल, मैंने कहा कल भी कहेंगे बाग बाग के आया आज गोभी ले आया, मम्मी कह रही थी कि मैंने सोचा जलेबी खाएंगे और रोटी कम बनाऊंगी, मम्मी बैठी रही अच्छा पापा ने बता दिया कि नहीं लाया हूँ, वो तो मैंने मजाक समझी ना क्या कह रहे हैं, तो लेती पहले उनसे, अरे मैं लेटी थी ना, हमने कहा मैं तुम्हारे मजरे की जब भाग भाग के आया, अरे मैंने कहा हाथ दिखा देती हूँ जलेबी लाए हमारे
मेरा बुढ़ा चले मिला चलो बैग खोला था बैग में कद्दू 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 क्यों कहती कद्दू भी तो महंगा हो रहा है आपका क्यों कद्दू को हल्के में ले रही कद्दू कद्दू चावल खाएंगे हम क्यों मम्मी कद्दू चावल खाएंगे हम सब चलो जो भी है फीस चलो थोड़ा मनोरंजन हो गया मनोरंजन होता रहता है चलो फीस तो हो गई आखिरकार अब इसमें थोड़े बहुत गाने लगाते हैं अरे हाँ मैं व्लॉग लगाता हूँ व्लॉग देखेगी ना है नंदा देवी का नहीं देखा ना आपने नंदा देवी वाला व्लॉग दिखाते हैं इनको तो इसको पहले मैं कनेक्ट करता हूँ हॉट स्पॉट से अभी टाइम हो चुका है 10:15 अभी मम्मी ने खाना अभी बनाया नहीं है पूरा थोड़ा बहुत बचा है अभी रोटी बना रही है मम्मी सब्जी दाल तो वही होगी ना मम्मी सुबह की कद्दू कद्दू नहीं तो क्या है क्या आलू कद्दू के टूटे कद्दू के सब मिक्स है तो अभी टाइम हो चुका है 11:15 आज 15 मिनट लेट मैं कर रहा हूँ क्योंकि और टाइम और दिन जितने 11 बजे खा लेते थे हम करेक्ट 11 बजे खाना हमने पहले लिया था तो अभी बाकी काम किए पहले मैंने उसके बाद अब व्लॉग को करता हूँ एंड एक बंदे का मतलब मैं कमेंट देख रहा था कि वो कह रहा था कि हमारे स्कूल खुल गए हैं तो थोड़ा व्लॉग को जल्दी पोस्ट करना तो यार दिक्कत हो जाती है रात को पहले तो नींद आ जाती है फिर सुबह ही करता हूँ एडिट सुबह पोस्ट करता हूँ तो लेट हो जाता है तो इस वजह से 11 बजे पोस्ट कर रहा हूँ पहले मैं 8 बजे करता था अब 11 बजे कर रहा हूँ तो एक काम हो सकता है कि ब्लॉग जो सुबह आएगा उसको शाम को देख लेना स्कूल से आगे तो ये चीज़ भी अच्छा है बाकी मैं ट्राई करूँगा अगर हो सकेगा तो सुबह डालने की पर जहाँ तक नहीं हो पाएगा फिलहाल तो मेरे से तो ये चीज़ है शाम को देखना ब्लॉग को स्कूल से आगे जो जो स्कूल वाले बच्चे तो बाकी आप सभी का प्यार है और कुछ नहीं तो आई होप आपको अच्छा लोग पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना और कमेंट भी कर देना और शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों में फैमिली में ब्लॉग को क्योंकि हमारे फैमिली ब्लॉग हैं तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हो भेज दीजिए ब्लॉग में कोई ऐसी बेकार चीज़ें नहीं होती हैं जो तुम शेयर करने से झिझको तो फैमिली में दोस्तों फ्रेंड्स इधर उधर कहीं भी भेज सकते हो ब्लॉग को तो फैला दो एकदम ठीक है तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय गुड नाइट टेक केयर स्वस्थ रहो और मस्त रहो I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it.